हार्ट ब्रेक ये शब्द काफी सुना सुना सा लगता है और हम क्रिकेट लवर्स को तो शायद इस शब्द की आदत सी हो गई है। और वो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप फाइनल हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक बार फिर आईसीसी ट्रॉफी आते आते रह गई। अभी बात कोई आजकल की थोड़ी है, 10 साल हो गए हैं आखिरी बार कोई आईसीसी ट्रॉफी उठाए, कोई आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल जीते। 2013 से तो सिर्फ और सिर्फ निराशा और हार्ट ब्रेक ही आ रहे हैं, कभी सेमीफाइनल तो कभी फाइनल में पहुंच पहुंच कर बार बार हमारा सपना चकनाचूर हो रहा है। कोई कहता है चोकिंग, कोई कहता है बदकिस्मती, लेकिन सामने वाली टीम ने भी लाजवाब खेल और कमाल के स्किल्स से हमें शिकस्त दी है। हाँ, कुछ हमारी गलतियां भी थी जो हमें महंगी पड़ी, लेकिन हर बार सामने वाली टीम का कोई खिलाड़ी मसीहा बनकर खड़ा हो गया जिसने एक ऐसी लाजवाब मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी जो कि हमारे लिए नाइटमेयर साबित हुई। जैसे अभी फाइनल में ट्रेविस हेड हमारे बॉलर्स को कूट गए, आज हम ऐसे ही कुछ नाइटमेयर इनिंग्स की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट जिसमें हमेशा ही भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस की और बढ़िया खेल दिखाकर शानदार मैच जीते। साल 2000 की आईसीसी नॉकआउट ही वो टूर्नामेंट था जब जहीर और युवराज जैसे मैच विनर्स हमें नसीब हुए थे। ओपनिंग जुड़ी टॉप की थी और गांगुली पीक पर थे। सेमीफाइनल और फाइनल में लगातार शतक जड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 264 के अच्छे खासे स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया था। जवाब में हमने भी न्यूजीलैंड को अपने लपेटे में ले ही लिया था और सिर्फ 132 पर आधी टीम समेट कर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी उठाने का वो ख्वाब लगभग पूरा ही होने वाला था। लेकिन तभी मैदान पर आया क्रिस क्रेंस नाम का वो तूफान जो हमारे ट्रॉफी के बीच दीवार बनकर के खड़ा हो गया। अभी तक इस मैच और टूर्नामेंट को जीतने की फेवरेट्स इंडियन टीम ही थी, लेकिन तभी क्रिस क्रेंस ने अंडर प्रेशर अनफॉरगेटेबल 102 रन की पारी खेल दी जिसने हमसे मैच और ट्रॉफी दोनों छीन ली। 90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शानदार 8 चौके 2 छक्के ठोक कर आखिरी 5 ओवर में 44 रन चेज करके हमें काफी गहरा आघात दिया। उनकी सवारी से पूरा इंडिया रोया था और पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर हमारा सपना एक नाइटमेयर से खत्म हो गया। साल था 2016 जब एक बार फिर इंडिया लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में पहुंची थी और एक बार फिर वही खिलाड़ी रन मशीन किंग कोहली अपने कंधों पर बैटिंग कैरी करता हुआ पहले से अधिक खुखार फॉर्म के साथ हमें सेमीफाइनल में ले आया था। इंडिया टॉप के फॉर्म में था और 193 का लक्ष्य देख जब वेस्टइंडीज 3 ओवर में सिर्फ 19 पर 2 बड़े विकेट गंवा चुका था तो लगा कि पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में हार के जख्म भर जाएंगे। और तभी मैदान पर आए सिमंस, वो बंदा जो वेस्टइंडीज स्क्वाड तक का हिस्सा भी नहीं था, जो भी कुछ टाइम पहले चोटिल आंद्रे फ्लेचर की जगह टीम में बुलाया गया। 7 ओवर में उन्हें 16 के स्कोर पर अश्विन ने आउट कर दिया। अब तो हमारी जीत लगभग तय थी, लेकिन तभी पता चला कि नो बॉल थी। उसके बाद सिमंस ने हमारे बॉलर्स की पिटाई करनी शुरू कर दी और लाजवाब 50 बनाए और 50 के स्कोर पर उन्हें हार्दिक ने कैच आउट किया। अभी वक्त था, लगा हम वापसी कर लेंगे, लेकिन फिर से वो नो बॉल हो गई और इसके बाद रसेल ने पार्टी ज्वाइन कर ली। अब हम जीतना डिजर्व नहीं करते थे, अब आगे हमारा कोई चांस नहीं था। सिमंस इस मैच के नायक बने जिन्होंने 7 चौकों और 5 छक्कों से 82 रनों की हार्ट ब्रेकिंग पारी ठोक कर वेस्टइंडीज को फाइनल में पहुंचा दिया। एक बार फिर हमारे हाथ आई निराशा। ग्राउंड के बाहर सचिन हो या अंदर विराट, मायूसी सबके चेहरे पर थी। विराट के 89 पर भारी पड़ी सिमंस की ये पारी जो कि हमारा काल बन गई। चैंपियंस ट्रॉफी टॉप स्कोरर गोल्डन बैट शिखर धवन कुछ लिंक समझे। 2013 में यह हुआ था आखिरी बार जब हम कोई आईसीसी ट्रॉफी जीते थे, जब शिखर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। साल था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत काफी शानदार खेल दिखाकर फाइनल में पहुंची थी और लगातार दूसरी बार गब्बर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। लगातार दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत से सिर्फ एक कदम दूर आज एक कॉन्फिडेंट भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने जा रहा था। पहले भी दोनों की भिड़ंत ग्रुप स्टेज पर हुई थी जब भारत ने बाजी मारी थी और आज भी जब टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी ली और कुछ शुरुआती टाइट ओवर्स डाले तो सबकी फेवरेट भी थी। और जब बुमराह ने उनके उस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बैट्समैन इनफॉर्म फखर जमान को मात्र 3 रन पर आउट किया, लेकिन तभी पता चला कि नो बॉल हो गए। इस जीवन दान ने फखर में न जाने कौन सी जादुई शक्तियां डाल दी। इसके बाद तो फखर ने दे चौके छक्के बॉलर्स की कुटाई की और मैच का रुख ही पलट दिया। सिर्फ 84 गेंदों में शानदार 12 चौके और 3 छक्के ठोक कर 97 रन जड़ दिए और इसको कन्वर्ट किया 116 रनों की लाजवाब पारी में। अब इन्होंने न केवल पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस पूरी टीम को काफी जोश से भर दिया, साथ ही हमारे बॉलर्स की भी हालत ढीली हो गई जिन्होंने 338 रन लौटा दिए। जैसे कि नो बॉल, फखर के ताबड़तोड़ शतक ने हमें ऐसी मार मारी जिसे हम उभर नहीं सके और हमारे इससे आई 180 रनों की मुंहतोड़ हार। हमारे सभी खिलाड़ियों का फॉर्म कॉन्फिडेंस जाने कहां चला गया। अकेले पांडे लड़ते रहे लेकिन वो काफी नहीं था। फखर का ये जख्म आज भी काफी चुभता है और वो पारी आज भी काफी दर्दनाक यादें दे जाती है। साल 2011 में जब 28 साल बाद हमने वर्ल्ड कप जीता और फिर जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उसने हमें आईसीसी टूर्नामेंट का सरताज बना दिया और 2015 के विश्व कप के लिए भी हम प्रबल दावेदार थे। 6 मुकाबले और 6 विन वो भी एक निहायती यंग टीम के साथ। इस टीम में एक इंटेंट दिख रहा था, इस टीम में कुछ बात थी, ट्रॉफी जीतने की नीयत भी थी और हम सभी फैंस को ये विश्वास था कि हम लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। लेकिन तभी आता है सेमीफाइनल जहां सामने थी ऑस्ट्रेलिया। वार्नर का बड़ा विकेट भी हमने जल्दी ले लिया था लेकिन तभी आया स्टीव स्मिथ जिन्होंने एकदम से वक्त बदल दिए और मैच भी पलट करके रख दिया। उन्होंने जो क्लॉसी शॉट्स लगाए जो
हमारे बॉलर्स की खबर ली, उसने हमारी उम्मीदों को, हमारे सपनों को तोड़ कर रख दिया। 93 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्के जड़कर हमें गेम से बाहर कर दिया। 329 की चेज में हम कभी भी आगे नहीं हो पाए और 95 रनों से ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिली। यूं तो 81 रन बनाकर फिंच ने भी अच्छी हार दी, लेकिन वो स्मिथ की ही पारी थी जिसने सिंगल हैंडेडली हमें तोड़ कर रख दिया। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, इस हार्ट ब्रेक को अभी एक साल हुआ है, साल 2022 T20 विश्व कप। उम्मीदें तो किसी समय पहले मैच से ही टूट गई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की वो जादुई 82 रनों की पारी जिसने हमें उम्मीद दी थी कि इस बार ट्रॉफी हम जीत करके जाएंगे। T20 का बेस्ट बैट्समैन भी हमारे पास था, एक काफी हाई कॉन्फिडेंट वाली इंडियन टीम उतरी थी इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल खेलने। शुरुआत चाहे खराब थी लेकिन एंड एक नंबर, पांड्या के ताबड़तोड़ फिनिश से स्कोर तो अच्छा सा हो गया, मोमेंटम भी हमारे पास था, लेकिन इसके बाद हमारे पास गुस्से, दुख और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की ओपनर्स हेल्स और बटलर के मुंह 10 विकेट जीत का खून जो लग गया था। मैदान के चारों ओर पहली गेंद से इन दोनों ने धुआं धुआं कर दिया और ओवर बाय ओवर हमारे विश्वास और उम्मीदों को तोड़ते गए। हमारे सपनों से लेकर एक अच्छे खासे बॉलिंग अटैक का भी इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया और सिर्फ 16 ओवर के अंदर 170 रन ठोक कर 10 विकेट से मैच जीत लिया, जिनमें से 4 चौके और 4 छक्के जड़ने वाले एलेक्स हेल्स के 86 रन थे। बटलर भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं थे और 80 रन ठोक कर इन दोनों बल्लेबाजों ने कोहराम मचा दिया था। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक बार फिर से सब कुछ चूर चूर हो गया और एक बार हम फिर 2 कदम से वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गए। बाकी सभी नाइटमेयर्स में से ये सबसे बड़ा नाइटमेयर था जहां हम एक विकेट भी नहीं ले सके थे। तो दोस्तों, ये थे इंडियन क्रिकेट इतिहास में ICC नॉकआउट में खेली अपोजिशन बल्लेबाजों की कुछ सर्वश्रेष्ठ पारियां जो हमें नाइटमेयर दे गई, जो हमारे ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ गई और कुछ ऐसे जख्म दे गई जिनसे हम अभी भी उभर नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।